हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको बताने जा रहे हैं कि आप किस तरीके से एक प्रिंटेड साड़ी को एक पाकिस्तानी स्टाइल में सूट डिजाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक रनिंग साड़ी है और इस साड़ी से हम बनाने जा रहे हैं पाकिस्तानी पैटर्न का एक सूट। सूट स्ट्रेट होगा, विद पेंसिल होगा वो सूट, और जैसा आप देख पा रहे हैं ये पल्लू है। इस पल्लू से हमने डिजाइन करनी है सूट का बॉटम और स्लीव्स। ये सूट तैयार होने के बाद आप बिल्कुल नहीं अंदाजा लगा सकते कि ये किसी साड़ी से बनी हुई सूट है, क्योंकि इस प्रिंट को मैं रनिंग बेस मटेरियल में यूज करूंगा। और उसके बाद जो ये बॉर्डर देख रहे हैं आप, बेज कलर की बॉर्डर, ये डिजाइनिंग में यूज होगी। लाइक हम बाजू पे इसे डिजाइन करेंगे, नेक पे डिजाइन करेंगे और घेरे पे डिजाइन करेंगे। और जैसे ही तैयार होगा आप बिल्कुल नहीं यकीन करेंगे कि एक साड़ी से किस तरीके से सूट बनाया गया है। तो अब आप आगे देखेंगे कि मैं किस तरीके से तैयार कर रहा हूँ। जैसा कि ये पल्लू है, पल्लू से हम स्लीव्स के लिए मटेरियल अलग कर रहे हैं। ये हमारी स्लीव्स में यूज हो जाएगी। ये विद बॉर्डर एक स्लीव्स हमारा निकल आया। ये जो बॉर्डर है ये हमारे सूट के बॉटम में, घेरे में आ जाएगा, क्योंकि ये लाइनिंग वाला सूट है तो लाइनिंग हमने पहले काट रखी है। अब हमें जैसा कि पहले ही लाइनिंग कटी हुई है इसकी, तो बस हमें इस पर बिछाना है। अब इसका ये पेंसिल कट चुका है, ये फ्रंट पल्ला विद लाइनिंग है, इसके साथ हमने सेंटून की लाइनिंग दी है और ये बैक पल्ला है। बस ये पाकिस्तानी नेक का बॉर्डर है और ये बॉर्डर हम कंटिन्यू नेक में अटैच कर रहे हैं। और ये हम लगा रहे हैं नेक,
फिर आप देखेंगे नेक किस तरीके से तैयार होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये सूट साड़ी का किस तरीके से बनके तैयार होता है, तो अब आपको हम दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले ये पल्लू जो हमने बॉर्डर दिया है इसका घेरे पे, उसके बाद ये बेल स्लीव बनाया हमने, ये बाजू पे है, और इसी का बॉर्डर, ये पाकिस्तानी नेक का एक पैटर्न है जो हमने इस सूट पे नेक लाइन बनाया है, और ये लोअर है, ये पेंसिल है इसके साथ। जैसा कि हमने बताया कि किसी भी साड़ी को किस तरीके से आप न्यू लुक दे सकते हैं ड्रेसेस में, और आप देखेंगे कि आप उसके बाद बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे कि ये साड़ी का सूट बना हुआ है। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि मेरे YouTube चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और नेक्स्ट और भी ढेर सारी डिज़ाइन दिखाने के लिए मैं फिर से आपके सामने आऊँगा, और तब तक के लिए बाय बाय।